हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी के बारे में। ग्राफिक आर्टिस्ट की हमारी जो सीरीज है उसमें हमारा ये सेकंड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकी फ़ोटो है। तो इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 जुलाई 1925 को हुआ था चित्तूर जिले के नंदनूर, एक गाँव है वहाँ पर, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। इनकी डेथ जो है वो 22 अगस्त 2018 को हुई थी न्यूयॉर्क में। ये इनके हम प्रोफेशन की बात करें तो ये एक प्रिंट मेकर थे, मूर्तिकार थे, ठीक है। लेकिन इनको जो प्रिंट मेकिंग है उसमें ये इंटेग्रली जो प्रिंटिंग होती है और विस्कोसिटी प्रिंटिंग इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो था, ठीक है। और ये एक शिक्षक थे, इन्हें इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग में मास्टर मास्टर माना जाता है, या विस्कोसिटी का भी इन्हें मास्टर कहा जाता है। उन्होंने प्रिंट मेकिंग में एक नई जो टेक्निक है उसका इन्होंने विकास किया था। तो ये जो प्रिंट मेकिंग में एक जो नई टेक्निक है उसका डेवलप किया था इन्होंने। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंगल प्रिंटिंग मैट्रिक्स में विस्कोसिटी द्वारा बहुरंगीय प्रिंट निकाले जा सकते थे, जिसको कि विस्कोसिटी प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो विस्कोसिटी प्रिंटिंग है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा रेड्डी। और ये जो विस्कोसिटी प्रिंटिंग है इसे बाद में चिपचिपाहट जो पद्धति है वो भी इसे कहा जाता था, या चिपचिपाहट मुद्रण भी इसे कहा जाता था। ये नाम भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इन्होंने जो है एजुकेशन इन्होंने शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से इन्होंने अपनी जो कला शिक्षा है वो ली थी। तो इनके साथ नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी, तो ये इनके जो साथ में थे उसी टाइम पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। तो 1941 से 46 में ये वहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। 1947 से 49 तक कला फाउंडेशन के कला विभाग में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे। और इन्होंने उसके साथ साथ मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर मद्रास में भी जो अध्यापन है वो किया था। उसके बाद ये जो है 1949 में लंदन चले गए थे, वहाँ पर जो स्लेड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने मूर्तिकला का अध्ययन किया था, और किया यहाँ पर उन्हें हेनरी मूर ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। और इन्होंने जो है वो मूर्तिकला की शिक्षा जो है वो मेरिनो मरीनी से मूर्तिकला इन्होंने सीखी थी, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद लंदन के बाद ये 1950 में पेरिस चले गए थे। 1965 के बाद वह अटेलियर 7 के सह निर्देशक बनाए गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए इसमें आपको फालतू की थ्योरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो मेन है जिस भी कलाकार के बारे में या जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए, सिर्फ वही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब आप एक बार, बहुत से लोगों को पता होगा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अटेलियर 17 क्या है। तो बेसिकली जो अटेलियर 17 है वो कलाकारों की एक कार्यशाला थी, मतलब एक ग्रुप था, या फिर एक जो जहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जितने भी जो कलाकार थे, जो भी चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वो वहाँ पर आकर मिलते थे, ठीक है। ये 1927 में हैटर ने इसे स्थापित किया था पेरिस में। तो अटेलियर 17 को 1927 में हैटर ने, ठीक है, लिख लीजिए, हैटर के द्वारा ये स्थापित की गई थी और इसे पेरिस में स्थापित किया गया था। फिर 1939 में इसे न्यूयॉर्क में इसे एस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन वापस 1950 में इसे पेरिस लाया गया। और यहाँ पर जो है यूरोप और अमेरिका के कलाकार आते थे, वो आपस में मिलते थे, जो आर्ट इनका प्रैक्टिस आर्ट का जो काम है उसकी प्रैक्टिस करते थे, और अपने जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करते थे। अगर यहाँ पर जो जो मेन कलाकार थे या फिर जो आते थे मोस्टली, तो उनमें जो प्रसिद्ध थे उनकी अगर हम बात करें तो वो जैसे जॉन मीरो हो गया, पाब्लो पिकासो, ब्रंकुसी,
ठीक है। और तो ये सब जो है, ये सभी जो अटेलियर सेवन है उसके ये सदस्य थे, ये यहाँ पर आते थे। तो 1965 के बाद इन्हें जो वहाँ का सह निर्देशक बनाया गया था, या कई बार आप ये इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो एसोसिएट डायरेक्टर इसे बोला जाएगा। तो कई बार अगर आपको दूसरा नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये किसके सब्जेक्ट पर ये काम करते थे, तो फोटो रेखांकन और छापा तकनीक का मिला जुला प्रयोग ये अपने चित्रों में करते थे। चित्रों के विषय जो है वो सार्वभौमिक होते थे, मतलब जो बेसिक अपनी चीज़ें हैं, नेचुरल जो हम देखते हैं, आसपास की चीज़ें हैं, वही इनके चित्रों में भी इनके सब्जेक्ट्स होते थे। जैसे कि मछली हो गई, नदी, बादल, स्थान हो गया कोई भी, तो इस टाइप से ही अपने सब्जेक्ट्स रखते थे। इनके अधिकतर प्रिंट अमूर्त होते थे, जिसमें कि ग्रिड नुमा पैटर्न होता था। इनका अगर हम काम देखें, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इनके प्रमुख चित्र की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मस्करे, छपाक, रिफ्लेक्शन, वाटर लिलीज। मस्करे, छपाक और वाटर लिलीज, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्लपूल जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मस्करे पूछा जाता है, वाटर लिली और वर्लपूल, ये तीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। उसके बाद और भी इनके बहुत से फेमस चित्र हैं, जैसे कि फ्लावर, बटरफ्लाई, वाटर फॉर्म्स, क्लोन सीरीज, रिवर, ठीक है, प्रोस्टोरेट, लहर, घुटनों के बल चलती अप्पू, तो ये इनके कुछ फेमस आर्टवर्क हैं। उसके बाद देखें कि इनको इनका जो प्रोफेशन है उसमें इन्होंने मतलब क्या क्या किया, कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाया था, तो एक मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट है यूएसए में, ठीक है, प्रेट यून इंस्टीट्यूट, रस्किन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड ड्राइंग टेक्सास विद्यालय में भी ये अतिथि प्रोफेसर और लेक्चरर थे, मतलब वहाँ पर भी इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में भी इन्होंने जो है वो गेस्ट टीचर्स के, गेस्ट लेक्चरर के तौर पर इन्होंने अपना जो अध्यापन है वो किया था। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी थी। अब इनके कुछ फेमस जो चित्र हैं वो देख लेते हैं। तो एक ये इनका फेमस चित्र है, मैनी एंड द वन, तो ये आपका एचिंग ऑन पेपर है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी इनका एक चित्र था, ए मैन फ्रॉम बंगाल, लेकिन ये आ नहीं पाया इसमें ठीक से। एक ये इनका चित्र है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रिक्स, ये भी इनका चित्र है, स्पाइडर वेब। तो आप देखेंगे कि इनके जो चित्र हैं, जितने भी इनके द्वारा बनाए गए हैं, वो बहुत ही सिमिलर हैं, तो मतलब जैसे आप देखोगे तो आप पहचान जाओगे इनकी एक पूरे जो कलर टेक्निक है। इनके जो कलर होते थे ना वो थोड़े से मतलब काफ़ी अच्छे से ये कॉन्ट्रास्ट के साथ कलर को यूज़ करते थे। तो ये एक स्पाइडर वेब का इनका चित्र है। उसके बाद एक है इनका ये चित्र है द विजन, वर्लपूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्लपूल, 1963 में ये बना था। उसके बाद है थ्री ग्रेसेस, 1958, बुल एंड मैन, 1957 में बना था, ये कलर विस्कोसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है एक अनटाइटल्ड है, ये देखिए इनके चित्रों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी एक अनटाइटल्ड है, ठीक है, ये एक्वाटेंट, इचिंग विद एक्वाटेंट के साथ, ये आपका एक बटरफ्लाई का चित्र है, कलर विस्कोसिटी, 1952 में ये बना था। इसके बाद ये है पेस्ट्रोल, 1957, इचिंग विद एक्वाटेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, 1968। इसके बाद एक ये है ग्रिड क्लोन, 1951 में ये बना था, ग्रुप ऑफ ट्रीज, 1963, ये पेन, इंक एंड वाटर कलर ऑन पेपर। आप चाहे तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं नाम लिखकर, ये कब बने थे, किस मीडियम में ये बने हुए हैं। टू फॉर्म्स इन वन, 1954 में ये बना है, विस्कोसिटी ऑन पेपर। के बाद ये एक इनका चित्र है स्प्लैश, 1960 में ये बना था, और कलर इंग्रेविंग इसका मीडियम है।
उसके बाद एक ये चित्र है इनका अनटाइटल्ड, ठीक है, 1950 में ये बना था, इचिंग में इनके ये बनाया गया है। और ये जो है अपने चित्रों में धातु की प्लेटों का भी ये प्रयोग करते थे, ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण कृष्णा रेड्डी के बारे में, कृष्णा एन रेड्डी, कई बार इनके कई जगह इनका जो नाम है वो कृष्णा एन रेड्डी भी आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।